और अब वो घड़ी आ गई जिसका हमको सुबह से इंतजार था। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा माननीय गवर्नर ऑफ बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी से कि कृपया वो स्टेज पर आए और अपने ज्ञानवर्धक भाषण से हमें अनुग्रहित करें। माननीय गवर्नर ऑफ बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, छात्र एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे अभिभावक यहाँ मौजूद हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि बिहार के युवा कितने ऊर्जान्वित हैं, सिमेज के स्टूडेंट्स कितने ऊर्जान्वित हैं उनको सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज सिट डाउन सर। सिमेज शैक्षणिक समूह और बिहार के संस्कार भारती की इकाई, इन दोनों द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हैं मेरे साथ, अभी अभी जिनका उद्बोधन हमने सुना, वे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति आर के सिंह जी, सिमेज के यहाँ के चेयरमैन श्री वसंत अग्रवाल जी, निदेशक प्रोफेसर नीरज अग्रवाल जी, श्रीमती मेघा अग्रवाल जी, मेरे सामने बैठे हमारे विधान परिषद में पार्षद माननीय संजय पासवान जी, अन्य सभी महानुभाव उपस्थित, अन्य अपने जाने माने पहचाने ऐसे लोग, और आज के इस स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर यहां पधारे हुए मेरे सभी युवा मित्रों, आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वर्षों से सिमेज ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है, अपनी एक इमेज बनाई है, और इस इमेज या पहचान के तहत वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब सिमेज के साथ संस्कार भारती भी इसके साथ में है, और हम जानते हैं कि संस्कार भारती इस देश में, इस प्रदेश में, इस इलाके में अपने हजारों वर्षों से आए हुए संस्कारों को लेकर, कला का क्षेत्र हो सकता है, संगीत का क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, इन सभी विषयों में संस्कारों की आवश्यकता है, ऐसा विषय लेकर काम करने वाली संस्कार भारती और सिमेज, जिन्होंने यहाँ के युवाओं को कुछ देने की सोच ली है और प्रयास है, और इसमें वो सफल भी हो रहे हैं, ऐसे सभी लोग इकट्ठा आने से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज का दिन हम सबके लिए विशेष इसलिए है कि हमारे देश में जिनका नाम पूरे विश्व भर में लिया जाता है, केवल देश में नहीं, ऐसे स्वामी जी जो केवल युवा थे ऐसे नहीं, योद्धा भी थे, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जिसे भारत सरकार ने युवा दिवस के नाम पे घोषित किया है, इस अवसर पर हम सब यहां मिल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर, उनके चरित्र पर कुछ बात होने की आवश्यकता है, परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी ने स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र पढ़ा होगा, उनकी जीवनी पढ़ी होगी, अगर नहीं है तो पढ़ने की आवश्यकता है। केवल अल्प आयु में
अपने देश की संस्कृति, इतिहास, परंपरा, इन सबको विदेशों में लेकर जाकर वहां के लोगों को अपने भारत की विरासत क्या है, परंपरा क्या है, उस सबके सामने रखने का बहुत बड़ा एक काम स्वामी जी ने किया है। वैसे तो हम जानते हैं कि बाहर से जो लोग हमारे यहां आए हैं वो कुछ हमको सिखाने के लिए नहीं आए, हमको कुछ देने के लिए नहीं आए, पढ़ाने के लिए भी नहीं आए। आने वाले सभी आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे। उन्होंने यहां के लोगों के लिए कुछ किया ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उनका जिन पर विश्वास है वह पुस्तक, बस इसको लेकर यह आए, ये पुस्तक को स्वीकार करो या मौत को स्वीकार करो। ऐसा आतताई, ऐसा आक्रांता विषय लेकर यहां आए थे। परंतु स्वामी जी यहां से बाहर गए, स्वामी जी ही क्यों, इस देश से जो भी लोग बाहर गए वो सभी भारत की इस अहिकता को छोड़कर आध्यात्मिकता को लेकर गए हैं। और वहां जाकर किसी ने उन्होंने जबरदस्ती नहीं की किस पर, यहां के राजाओं ने बाहर के लोगों पर आक्रमण कभी नहीं किए। यहां के स्वामी जी ने वहां जाकर मेरा ही धर्म अंतिम है, इसको स्वीकार करो, ऐसी बात कभी भी नहीं कही। विश्व कल्याण की बात लेकर वो सब जगह गए। कृणवंतो विश्वम आर्यम, आर्य का मतलब जो जो अच्छा है, इसका अर्थ होता है आर्य। पूरा विश्व ऐसा अच्छा होना चाहिए और पूरे विश्व को हमने परिवार माना। इस विषय को लेकर यहां के सभी लोग जो बाहर गए हैं इसके लिए कोई भी अपवाद नहीं है। सभी लोग जो बाहर गए यहां से वो केवल उन लोगों की आध्यात्मिकता को ऊंचाई करने के लिए, उनको आध्यात्मिकता देने के लिए, उनको कुछ सबक देने के लिए गए ताकि पूरा विश्व कल्याणमयी हो। विश्व को परिवार मानने वाली अपनी संस्कृति, अपना देश, अपनी परंपरा, वो कैसे बाहर जाकर आक्रमण करेंगे। परंतु बाहर से जो आए उन्होंने यहां आक्रमण किया। आप मेरा पंथ जो है, मेरा धर्म है, मेरा मत है, इसको स्वीकार करो, नहीं तो आप मौत के घाट उतारे जाएंगे। यह हमारी परंपरा कभी भी नहीं रही। इसको लेकर स्वामी जी बाहर गए थे। उनके जीवन में ऐसी एक घटना है कि वहां जाकर जब उनको कई लोगों को लगा कि अरे ये हिंदू धर्म के प्रतिनिधि यहां आए हैं और इतनी इतनी बड़ी मात्रा में हिंदू धर्म की प्रसिद्धि है, इतनी अच्छी उनकी सीख है, तो हमको भी हिंदू धर्म का स्वीकार करना चाहिए। जब अमेरिका में जब वहां गए थे तब उनको वहां एक शिष्य आए और कहने लगे कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं। स्वामी जी ने पूछा क्यों, नहीं मुझे हिंदू धर्म की सीख है वो अपनानी चाहिए, मैं हिंदू बनना चाहता हूं, आप जैसा बनना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद का उत्तर क्या था, कोई आवश्यकता नहीं है, आप अगर क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन धर्म का ही अनुपालन ठीक ढंग से करेंगे तो अपने आप ही आप हिंदू बन जाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमारी सीख थी, इसी को लेकर हमारे लोग बाहर गए। मुझे लगता है कि इस विषय को आज की युवा पीढ़ी ने समझना चाहिए। विश्व में आज दो तीन जगह युद्ध चल रहे हैं, कहां यूक्रेन, यूक्रेन तो अब हम भूल गए ना,
यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध हो रहा है, हम भूल भी गए। इतने वर्षों से युद्ध चल रहे हैं, अभी इजराइल और अन्य बाकी देशों से वहां युद्ध हो रहा है गाजा पट्टी में, उसको भी हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। कैसे पता चलेगा हमको? इतने वर्षों तक आप युद्ध करते हैं और इसमें कुछ पाता भी नहीं हम, कोई इंसानियत के लिए कुछ है नहीं, परंतु इस देश का विचार, इस देश की परंपरा, इस देश का इतिहास हमको यह बताता है, हमने जो भी कुछ किया है वो विश्व के समुदाय के कल्याण के लिए किया है। हमारी शिक्षा भी हमको यही बताती है, हमारी शिक्षा ने हमको यही सिखाया है कि गुरु जो होता है वही हमारा परम पर ब्रह्म होता है, और गुरु के लिए ही हमको काम करना है, गुरु के अनुसार ही हमको काम करना है। और गुरु ने हमको कभी ऐसी अलग थलग होने की बात तो कभी बताई नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि हम सब इस दिशा में जाने की आवश्यकता है, सोचने की जरूरत है। भारत की परंपरा रही है कि आध्यात्मिकता हमारा प्राण है, इस आध्यात्मिकता को हमने अगर अपनी शिक्षा में नहीं लाया, उस दिन शिक्षा का पतन हो जाएगा। भारत की शिक्षा इसी के आधार पर है। पूरे विश्व में जब हमारा गौरव हो रहा है तो आध्यात्मिकता के कारण ही हो रहा है, अन्यथा नहीं। इसको लेकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हमारी सोच बढ़ाने की आवश्यकता है। आने वाला समय भारत का है, आने वाली सदी भारत की है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। हमारे यहां देश में जो एक बदलाव आ रहा है, जो एक परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन के हम सभी साक्षी हैं। हमारे सामने ये घट रहा है, हमारे सामने इस देश की जो गर्दन है, जिसका मान सम्मान बढ़ रहा है पूरे विश्व भर में, हम देख रहे हैं। क्या हम इस परिवर्तन का हिस्सा बनना नहीं चाहेंगे? हम युवा हैं, हम कुछ भी करने वाले हैं, हमारे इसमें दम है, धमक है, इच्छा है, ऊर्जा है। हम सब युवा जो हैं, कुछ कहीं पर भी कमी नहीं रहेंगे। मुझे जब कोई बताता है कि फलाने फलाने गांव में एक ऐसी बात घटी और इसने बहुत अच्छा काम किया, एक 17, 18, 20 वर्षों का एक युवा, इसने ये काम करके दिखाया, तो मैंने कहा ठीक है, कौन कौन कर सकता है यह काम? हमारे युवा ही कर सकते हैं ना? क्या ऐसे काम मुझ जैसे बुजुर्ग, जिनके बाल पके हुए हैं, सफेद हुए हैं, वो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही कर सकते हैं, आप में धमक है, आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं। इसलिए आपके ऊपर पूरा भारत निर्भर है। भारत की आत्मनिर्भरता कहां है? जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, बनने वाला है, तो उनके सामने आपकी छवि होती है, आपका चित्र होता है, हमारे युवा उनके सामने होते हैं। इन युवाओं पर, आप पर उनका भरोसा है, विश्वास है, वो चाहते हैं ऐसा कि अपना देश आत्मनिर्भर बने। इसलिए उन्होंने अपने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है। 2047 में 15 अगस्त को हम हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने वाले हैं, यानी आज से लगभग 25 वर्ष। इन 25 वर्षों में हम क्या करने वाले हैं, क्या कहां जाने वाले हैं? क्या हम भारत को आत्मनिर्भर के रूप में देखकर
आज तो हमारे लिए क्या विशेषण लगाए जा रहे हैं, अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, ये सभी विशेषण जो है एडजेक्टिव्स हैं वो पीछे होने वाले हैं आने वाले समय में, और हमारा नाम विकसित देशों में आने वाला है, वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, नो कंट्री विल इन द वर्ल्ड विल बी एबल टू टेल अस दैट यू आर अंडर डेवलप्ड। किसके आधार पर ये होने वाला है, कहां से होने वाला है, आप ही के कारण तो होने वाला है, आप में ये ऊर्जा है, आप में ये भाव आने वाला है, और इसलिए आज से हमको काम करने की आवश्यकता है, कल की बात नहीं। मुझे पता नहीं 2047 में मैं रहूंगा या नहीं, परंतु भारत को आगे लेकर जाने वाले आप मेरे दोस्त जरूर रहेंगे। 2047 का वह चित्र मैं देख रहा हूं, पूरा विश्व हमारे यहां आकर खड़ा रहता है, क्योंकि भारत विकसित भारत है। विकसित भारत का अर्थ इतना ही नहीं है कि इंडस्ट्री ही विकसित हो जाए, विकसित भारत का है पूरे सभी सर्वांगीण विकास, सभी क्षेत्रों का विकास, शिक्षा का विकास हो, अपने इंडस्ट्री का विकास हो, अपने चलन वलन का विकास हो, अपने इकोनॉमी का विकास हो। प्रधानमंत्री का स्वप्न है ना कि विश्व की तीसरी शक्ति, इकोनॉमिक ताकत हम बनने वाले हैं कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में। किसके कारण बनेंगे, हम सब आपके लिए ही बनेंगे ना, आपके साथ ही बनेंगे। प्रधानमंत्री का पूरा भरोसा है, विश्व के सबसे युवा ताकत वाली शक्ति अगर कहां है, वो भारत में है, और भारत ही है। हमारी जनसंख्या हमारे लिए बोझ नहीं है। हां बढ़ती है ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी जनसंख्या हमारे लिए पूंजी है, हमारे लिए एसेट है, कैपिटल है। इस दिशा में अगर सोचते हैं तो पूरे सारे प्रश्न निकल जाते हैं, समाधान आ जाते हैं। मुझे लगता है इस दिशा में हमको जाने की आवश्यकता है। यहां बात आ गई कि हमारे ये सभी बच्चे थे प्रोफेशनल कॉलेजेस से हैं, और प्रोफेशनल कॉलेजेस में क्या होता है, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ने वाले सभी अपना सर्टिफिकेट लेकर नौकरी मांगने के लिए जाएंगे। मैं चाहता हूं हमारे यहां बैठे हुए मेरे यहां हर एक दोस्त, हर एक मित्र, अगर नौकरी करने की है तो यू जस्ट डोंट ज्वाइन दिस प्रोफेशनल कॉलेज, बी समथिंग डिफरेंट। मैं खुद के पैरों पर खड़ा रहकर दूसरों को नौकरी देने वाला बनूंगा, यह सोच हमारी होनी चाहिए। दूसरों को नौकरी मैं दे दूंगा, नौकरी मांगने के लिए मैं घूमूंगा नहीं, फिरूंगा नहीं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू हैव टुडे। नौकरी मांगने वाले तो बहुत सारे हैं, देने वाले कौन है? अग्रवाल साहब ने अभी बताया ना, अग्रवाल जी ने, कि उनके कॉलेज से बाहर जाकर कैसे उनके कुछ स्टूडेंट्स आ गए हैं। उनका आदर्श उनको हमारे सामने रखने की आवश्यकता है कि सोच में परिवर्तन होने की जरूरत है। मैं बनूंगा लेकिन मैं नौकरी देने वाला बनूंगा, ऐसी सोच जिस दिन मेरे भीतर आ जाएगी तब सब प्रश्न सुलझ जाएंगे, तब कोई प्रश्न नहीं रहेगा। आई विल वर्क इन दैट डिरेक्शन, इस डिरेक्शन में जाकर मैं काम करूंगा, ऐसी सोच होने की आवश्यकता है। पूरे देश भर में एक माहौल बन रहा है, वातावरण बदल रहा है, हमारी यहां की यूनिवर्सिटीज इसके लिए तैयार हो रही हैं, हमारे विश्वविद्यालय अपने अपने अभ्यासक्रम में बदलाव ला रहे हैं,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी बनी है 2020 में, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जो हमारे लिए जीवन में खड़ा रहकर रहने काम करने के लिए बाध्य करते हैं, हमको सुविधाएं देते हैं। मुझे लगता है इस सबको अपना कर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। इस सबको अपना कर यहां मल्टीडिसिप्लिनरी यहां ये हो रहा है, शिक्षा हो रही है, ये मल्टीडिसिप्लिनरी, यानी अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है तो उसको संगीत सीखने का भी, नाटक करने का भी मौका मिल रहा है। ऐसे क्या अपने बदलाव आपने इतने वर्षों में क्यों नहीं लाए? ठीक है, नहीं लाए तो नहीं लाए, आज से तो सुधर जाएंगे हम, आज से हम यह काम करेंगे। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसको अपनाने की आवश्यकता है, इसके तहत काम करने की जरूरत है, और वो आप ही कर सकते हैं। आपको इसमें खुद को पढ़ना होगा, सीखना होगा क्या करने की आवश्यकता है। मुझे यह माहौल देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बिहार के बच्चे, ये आप जो सभी हैं, वो कहीं बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर रहे, अपने बिहार में ही पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा चित्र हमारे सामने आता है कि बिहार के बच्चे, हाँ इंटर होने के, यानी इंटरमीडिएट जिसे 12वीं कहते हैं, 12वीं के बाद हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, कोई बेंगलुरु में जाता है, कोई चेन्नई में जाता है, कोई दिल्ली में जाता है, कोई गोवा जाता है, कोई मुंबई जाता है, और कई सारे प्रदेश देश है। लेकिन आप सब यहां पढ़ाई कर रहे हैं, यह माहौल आपने बनाया है, बहुत सुंदर किया अग्रवाल जी, बहुत सुंदर एक काम किया है कि हमारे बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, जाना है तो जाएंगे भी, लेकिन पढ़ाई यहां कर कर ही जाएंगे। यह एक जो परिवर्तन आ रहा है, यह परिवर्तन हमको प्रेरणा देता है, यह सोच हमको प्रेरणा देती है। यहां कहा गया कि मैं आपको प्रेरणा देने वाला हूं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जैसे युवा लोगों से मिलता हूं, युवा दोस्तों से मिलता हूं, तो मुझे प्रेरणा मिलती है आपसे, आप मुझे प्रेरणा देते हैं, आप मुझे कुछ और काम करने की प्रेरणा देते हैं, मुझ में एक ऊर्जा आ जाती है, अरे मेरे इन दोस्तों के लिए काम करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं आता हूं ऐसे कार्यक्रमों में, अन्यथा मुझे ऐसे कार्यक्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां बैठकर राजभवन में बैठकर आराम भी कर सकता हूं मैं। परंतु इस बीच आपके बीच आने का उद्देश्य यह होता है कि आपसे मुझे ऊर्जा मिलती है, आप मुझे कुछ सिखाते हैं यहां, और आने वाला समय हमारा समय है, इसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। राह की डर बताकर न चलने की सलाह जो देते हैं उनकी मत सुनिए। राह का डर बताने वाले बहुत सारे, ऐसे क्यों जा रहे हो इस रास्ते से, जरा अच्छा अच्छा सुविधाजनक रास्ता है वहां से जाइए ना, इस राह से। राह की डर बताकर न चलने की सलाह देते हैं उनकी मत सुनिए। हम तो उस दिशा में जा रहे हैं जिससे हमारी उन्नति हो रही है, और इससे अहम बात है जो आपकी ऊर्जा मुझे बता रही है, हम जिस ओर चलेंगे वही रास्ता होगा, हम जिस ओर जाएंगे वही राह है। यह धमक, ये इच्छा, ये उम्मीद, ये ऊर्जा हमारे बीच में है, हम जिस ओर चलेंगे वही रास्ता होगा। कौन बना सकता है आपके सिवाय? मुझे लगता है इस कार्यक्रम से हमको यह लेकर जाने की आवश्यकता है। स्वामी जी के सामने कुछ सब कुछ सुविधा थी ऐसी नहीं, स्वामी जी का अगर जीवन चरित्र हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि स्वामी जी किस दशा में वहां गए, अमेरिका में कितनी हाल अपेष्टाओं के बाद वो वहां पहुंचे, रास्ता सुगम नहीं था, फिर भी उनकी राय थी हम जिस ओर चलेंगे वही रास्ता होगा।
इसको ध्यान में रखकर हमको यहां से जाने की आवश्यकता है। मेरे युवा दोस्तों, स्वामी जी की जीवन से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत का पूरा जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो उनका नहीं, वो सपना हम सबका है। इस सपने को साकार करने में हम कार्यरत रहेंगे, यही इच्छा व्यक्त करते हुए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय।